हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम बात करने वाले एक पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड वो कंपनी आपको बोनस अनाउंस कर सकती है उससे रिलेटेड न्यूज एज वेल एज उस शेयर को हमें खरीदना है कि नहीं क्योंकि अगर हम बात करें हमने पिछले कुछ टाइम में वरुण बेवरेजेस में यहाँ पर आ, इन्वेस्ट किया था उस टाइम और अच्छा खासा गेन वहाँ पर हमें मिलता हुआ दिखाई दिया आरती इंडस्ट्री में हमने स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्राई किया था वहां पर अच्छा खासा गेन मिलता हुआ दिखाई दिया तो इसी तरीके से एक और कंपनी है जो कि अच्छा खासा हमें गेन दे सकती है उसके फाइनेंशियल देखेंगे उसके फंडामेंटल चेक करेंगे उसकी बिजनेस करती क्या उसमें देखेंगे कंपनी अच्छी है या नहीं वो चेक करेंगे टेक्निकल से रिलेटेड बातें करेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे आती मिलती रहे और हमेशा की तरह आपको बताना चाहता हूँ देखिए यहाँ पर आपको सिखाया जाता है आपको बताया जाता है कि किस तरीके से आप शेयर को चूज कर सकते हैं किस तरीके से आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते सकते हैं हैं या फिर लॉन्ग टर्म की बैट लगा सकते क्योंकि इसी तरीके से मार्केट मार्केट में में पैसा बनेगा अगर आप बिना स्टडी करके मार्केट में आएंगे और आप लॉन्ग ऊपर के लेवल पर शेयर खरीद लेंगे और तो आपके बहुत सारा टाइम वहां पर स्पेंड हो सकता है क्योंकि एक रिसेंटली अभी एक मुझे कमेंट मिला था कि इस लेवल पर खरीदा था अभी तक नहीं गया है आठ नौ महीने हो गए तो इस तरीके से पैसे ट्रैप हो जाते हैं मेरे भी हुए हैं काफी लोग हर किसी के साथ होता है वो तो इसलिए सीखना बहुत जरूरी है सीख के मार्केट में आओगे अच्छा खासा पैसा बनेगा इसके लिए यहाँ पर वीडियो बनाई जाती है इन वीडियो को देखिए प्लेलिस्ट को चेक करिए यहाँ पर प्लेलिस्ट तीन प्लेलिस्ट बना रखी है एक-एक वीडियो को देखिए नॉलेज लीजिए क्योंकि बिना सीखे अगर मार्केट में आओगे तो फिर देखिए ओपन लेवल पर आप निवेशक से कितना भी अच्छा इंफोसिस भी आज की डेट में आप अगर खरीदते हो 1600 रुपए का तो वो भी चौदह सौ रुपये आ सकता है और फिर वो भी एक साल के लिए या फिर छः महीने के लिए एक लॉन्ग टर्म के में कंसोलिडेट कर सकता है तो इस तरीके से करते हैं हो कंसॉलीडेट करते हैं चाहे बड़े हो या छोटे हो तो इसलिए देख के सीखना बहुत जरूरी है इस चीज को ध्यान में रखिए तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं बट बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब करें शेयर करें करे। दूसरे लोगों के साथ दूसरे लोगों को भी लाइए अपने फ्रेंड्स को लाइए फैमिली को को बताइए ताकि वो इन वीडियो को देखे देख के नॉलेज लें नॉलेज लेके मार्केट में आएंगे अच्छा खासा पैसा बनाएंगे तो तो जिस शेयर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं उसका नाम है रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड तो आज जो एक न्यूज आती हुई दिखाई दी है और अगर हम देखें तो वो यहाँ पर बोनस दे सकती है ये वाली कंपनी इससे रिलेटेड कब ये न्यूज है उससे रिलेटेड बातें करेंगे बट बिफोर दट यहाँ पर हम कुछ इसके फंडामेंटल जान लेते हैं इसके बिजनेस मॉडल जान लेते हैं तो ये जो कंपनी है वो आई मोबिलिटी अदर टेक्नोलॉजी में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है तो अगर बात करें कहीं ना कहीं ये डाइवर्सिफाइड इनका पोर्टफोलियो है यहाँ पर देखें आर्टिफिफिशियल इंटेलिजेंस

मिलियन प्लस है और प्लस में बात करें और ओन सर्विस सेंटर सत्रह प्लस है यहाँ पर पार्टनरशिप सर्विस सेंटर बाईस प्लस है और यहाँ पर बात करें ग्लोबल सेवनटीन प्लस है सेल्स ऑफिस है, से है. यहाँ पर अच्छी खासी यहां पर कंपनी मतलब कंपनी वर्ल्ड वाइड पर काम करती हुई नजर आ रही है इसके लिए यहाँ पर अगर इनकी ग्लोबल प्रेजेंस की यहाँ पर साइट पर जाएंगे तो आपको पता चलेगी यहाँ पर जितने भी दे रखी है यहाँ पर ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है साउथ अफ्रीका यूरोप यहाँ पर कतर वगैरह यहाँ पर ये कंपनी मिडिल ईस्ट में इंडियन रिलीजन में यहाँ पर अफ्रीका

ट्रू वैल्यू होती है उसी के आसपास चल रहा है तो यहाँ पर अच्छे खासा यहाँ पर आपको गेन मिलने की अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर तो अगर और भी कुछ चीजों की बात करें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की तो यहाँ पर सेल्स देखिए 2018 से 2000 अगर पिछले बारह क्वार्टर की बात करें यहाँ पर दस करोड़ ग्यारह करोड़ बारह करोड़ फिर थोड़ी सी कम हुई कंसोलिडेट किया चौदह करोड़ फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया तेरह सोलह पंद्रह मतलब अच्छा खासा सेल्स हाइएस्ट है पिछले दो क्वार्टर में यहाँ पर सेल्स हुई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाइस्ट है और नेट प्रॉफिट भी बात करें

मतलब कंसिस्टेंसी के साथ सेल्स की वैल्यू कितनी है।, करोड़ है तो इस चीज से अंदाजा लगता है कंपनी में कितना पोटेंशियल ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाइएस्ट एवर है नेट प्रॉफिट की बात करें सात सौ छप्पन करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हाइएस्ट एवर है रिजर्व की बात करें तो रिजर्व देख सकते हैं यहाँ पर चार हजार आठ सौ छप्पन करोड़

थोड़ी बहुत कम होती हुई नजर आ रही है 15% 16% के आसपास और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है 82% में 82% में भी 24% की हिस्सेदारी यहाँ पर इनके पास है 10% की हिस्सेदारी इनके पास है और दो तीन प्रतिशत की हिस्सेदारी इनके पास है अगर बात करते हैं यहाँ पर सैंतीस परसेंट की हिस्सेदारी यहाँ पर निकल गई और सैंतीस परसेंट की हिस्सेदारी निकालते हैं तो केवल पांच परसेंट की हिस्सेदारी पब्लिक के पास आती है तो ये सब चीज इमेजिंग है इस को याद रखिए और कंपनी की बात करें स्प्लिट यहाँ पर 2010 में हुआ था और बोनस की बात करें कंपनी अब बोनस देने ही वाली है और मुझे लगता है कि कंपनी जब ऐसे बात होती है तो कंपनी बोनस दे ही देती है यहाँ पर और यहाँ पर चार्ट पैटर्न भी देखिए चार्ट पैटर्न भी काफी बेहतरीन है यहाँ पर देखिए अच्छा खासा ये शेयर यहाँ से चलता हुआ नजर आ रहा है उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें ये आ, अच्छा खासा वन एटी फाइव तक गया फिर उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट और अभी शेयर की बात करें, अच्छा खासा वॉलेटाइल यहाँ पर शेयर है ये और यहाँ पर स्मॉल कैप शेयर है तो इसलिए वॉलीटिलिटी नजर आती है इसके अलावा न्यूज से रिलेटेड बातें कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं पचासी का तीस जुलाई दो को शेयर था एक साल बाद की बात करें तो

इस शेयर को तीन मतलब दो अगस्त या उससे पहले खरीद लेते हैं तो यहाँ पर आपको इस यहाँ पर डिविडेंड का का ही फायदा होगा का प्लस का चार रुपए पंद्रह सोलह रुपए का डिविडेंड भी मिलता है वो नजर आ रहा है और उस दौरान यहाँ पर बोनस भी पर मिलता हुआ नजर आ सकता है तो इस चीज को ध्यान दीजिए और बाकी यहाँ पर बात करें एफ की होल्डिंग यहाँ पर सबसे ज्यादा है यहाँ पर कुछ अगर टेक्निकल से रिलेटेड बातें करते हैं तो यहाँ पर कंपनी का चार्ट पैटर्न निकाल देते हैं रेडिंगटन इंडिया तो यहाँ पर देखिए कंपनी ऑल टाइम हाई पे चल रही है ऑलरेडी कंपनी बिजनेस यहाँ अच्छा खासा कर रही है और इस वजह से अगर बात करें तो देखिए बोनस तो दे ही रही है अच्छा खासा यहाँ पर गेन मिल सकता है और यहाँ पर इसके हिसाब से यहाँ पर तो अभी कोई टारगेट नहीं बट अगर शेयर भागता हुआ भी नजर आया है यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर एक कप बना कप बन के यहाँ पर हैंडल बना और इसने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दे दिया और शेयर यहाँ पर तीन के आसपास ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है और इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं कि कितना यहाँ पर सॉरी uh, इसके हिसाब से कितना हमारा टारगेट नजर आता है तो एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं तो इसके हिसाब से जो टारगेट नजर आता है वहां तक जाएगा बट थोड़ा कंसोलिडेट करते हुए जा सकता है तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा इसने अपने दो और तीन साल का जो कंसोलिड ऑल टाइम हाई था उसे तोड़ा है बाकी शेयर प्राइस uh, यहाँ पर जा सकता है जो कि कोई यहाँ पर तीन के आसपास का यहाँ पर आ रहा है और तीन पे यहाँ पर ऑलरेडी चल रहा है तो आपको ज्यादा तो गेन यहाँ नहीं मिल रहा है बट बोनस की न्यूज के कारण ये शेयर अपने इस चीज को अचीव कर लेगा तो यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग बन सकती है ओके दस पंद्रह परसेंट के लिए बट यहाँ पर फिर उसके बाद एक रिस्क भी बन जाता है और रिस्क क्या है रिस्क ये है कि ऊपर फंसने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बन जाते हैं क्योंकि कंपनी यहाँ पर ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी चल रही है थोड़ा सा अगर गिरावट होती है एट द टाइम यू कैन थिंक अबाउट इट ओके अगर यहाँ पर पचास रुपए के आसपास की गिरावट होती है बट इस टाइम पे करना तो मुझे तो एक ट्रैप टाइप में लग रहा है बाकी यहाँ पर आप अपने ड्यू डिलीजेंस और खुद की स्टडी के हिसाब से करिएगा मैं इसमें पोजिशन नहीं बनाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी शेयर यहाँ भाग चुका है दस परसेंट के ऊपर की लेवल पे फंसना रिस्क रिवॉर्ड रेशो से यहाँ पर सही नहीं बनता बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करिएगा बाकी शेयर्स बोनस से रिलेटेड यहाँ न्यूज है बोनस यहाँ मिलने वाला है सात तारीख को देखते हैं क्या न्यूज है और तब तक शायद यहाँ पर दस बारह का अपसाइड मिल सकता है बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट कर शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए इस तरीके से सीखिए कि, कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर जज किया कि हम यहाँ पर ऊपर भी ऊपर के लेवल पे फंस सकते हैं ओके यहाँ पर हम इतनी ही अपॉर्चुनिटी बची है यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड कितना है कि रिस्क यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है और रिवॉर्ड केवल चौदह परसेंट का ही है तो इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से ड्यू डिलीजेंस करके कि आपको किस तरीके से आपको पोजिशन लेनी है वो आप सोच सकते हैं अगर आप रिस्क टेकर है तो आप ले सकते हैं पोजिशन नहीं रिस्क टेकर है तो फिर आप थोड़ा सा यहाँ पर दूर बना दूरी बना के रखिए तो यही सारी बातें होती है और इसी चीज को समझना होता है इसी चीज से हम क्या होता है कि हम बच बच सकते हैं ऊपर के लेवल पे फंसने हुए बाकी वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर करिए फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है सब कुछ अच्छा है इस कंपनी का बाकी अपनी खुद की स्टडी करें बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस